और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता व पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अर्जी देने के बाद भी इमरान खान सरकार ने ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ने दिया। चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एशिया के दो बड़े देशों के बीच संबंध इतने विशाल हो गए हैं कि उसने वैश्विक आयाम हासिल कर लिए हैं। IAS से नेता बने साफ फैसल को देश से बाहर जाने से रोक दिया गया है, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर ही वापस श्रीनगर भेज दिया गया। आपको बता दें कि फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नेता हैं और वह विदेश जाने के लिए दिल्ली से फ्लाइट लेने वाले थे, लेकिन इमिग्रेशन अफसरों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक पर सोशल मीडिया के जरिए तंज कसते हुए पूछा है कि डियर मलिक जी, मैंने अपने ट्वीट पर आपकी हल्की प्रतिक्रिया देखी। मैं जम्मू कश्मीर आने का आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं बिना शर्त के लोगों से मिलने को तैयार हूं। आप ही बताएं कि मैं कब आ सकता हूं। मोदी सरकार ने शहरों के बाद अब देश के गांवों को भी स्वच्छ बनाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बेहतर काम करने वाले राज्यों को PM अहमदाबाद में होने वाले एक आयोजन में सम्मानित करेंगे। किस राज्य और किस जिले ने बेहतर काम किया है, ये जनता के फीडबैक के आधार पर तय किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने समय की मांग बताते हुए कहा कि देश की अखंडता और एकता के लिए यह बहुत जरूरी था, यह देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम था। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS 1947 से पहले ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहा था और उसने भारत छोड़ो मूवमेंट में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के खिलाफ काम किया था। दिग्विजय ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय ताकत को बल दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के केंद्र के फैसले के मद्देनजर इस साल स्वतंत्रता दिवस और अधिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की नापाक हरकतों को करारा जवाब मिला है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने राज्य में रोहिंग्या समुदाय के लोगों की मौजूदगी पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए जो उन्हें राज्य में आने में मदद कर रहे हैं और उन्हें शरण दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि कन्याश्री प्रकल्पा योजना से अभी तक 60 लाख लड़कियों को मदद मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2013 में इस योजना पर 7000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। निष्क्रिय संगठन के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जल्द ही पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर सकती है। माना जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यूपी में भाजपा के सामने एक मजबूत चेहरा बनाना चाहती है। बिहार में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने CM नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। मिश्रा ने आगे कहा कि नीतीश कुमार 14 साल से ओवरलोड में हैं और वे खुद कई विभागों में मंत्री हैं। ऐसे में नीतीश को अपनी पार्टी या BJP के किसी नेता को गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी देना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नर्मदा अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की हालत खराब है और अभी वह पूरी तरह वेंटिलेटर पर हैं। आपको बता दें कि 90 वर्षीय बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री रहे खाचरियावास ने दावा किया है कि वे भी श्री राम के वंशज हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोर्ट मुझसे सवाल करेगा तो मैं जवाब दूंगा। जुलाई के महीने में महंगाई के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में थोक महंगाई दर 23 महीने के सबसे निचली स्तर 1.08% पर गिरकर आ गई है। मंदी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें टैक्स कटौती, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन जैसे वित्तीय उपाय होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शोध के जरिए दावा किया है कि जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं उनका वैवाहिक जीवन और पिता बनने की संभावना उचित समय पर जन्म लेने वाले बच्चे की तुलना में कम होती है।
कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला T20 क्रिकेट को शामिल करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के वरिंगम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 24 साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद बॉलीवुड के कई डायरेक्टर इस पर फिल्म बनाना चाह रहे हैं। इस बीच डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ऐलान किया है कि वह कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो अगले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम की फिल्म बाटला हाउस को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फिल्म को स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि यह फिल्म दिल्ली के बाटला हाउस मामले पर आधारित है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।